रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा और मैं हमजा, खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हम अभी बात कर रहे थे कि स्ट्रेस कुछ अरसे पहले तक हमजा नहीं होता था। नहीं, अब तो बहुत ज्यादा। जिससे पूछो वो कहता है मुझे स्ट्रेस है, आप डॉक्टर के पास चले जाए ना, आप कुछ बता रहे हो तो डॉक्टर कहता है आपको और तो कोई मसला नहीं है लेकिन आपको स्ट्रेस लग रहा है। ये स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जाए? हाँ, और मुझे ये लगता है कि हमसे पहले जो लोग गुजरे हैं, जो उनसे पहले लोग गुजरे हैं, क्या उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं होती थी? क्या उनको कोई खदशात नहीं होते थे? ओवर थिंक नहीं करते होंगे, मुझे ये लगता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने 16 आने जिसे कहते हैं सही बात की। स्ट्रेस जो है ना वो हमेशा से था, हम लोगों ने somehow इसको हर चीज को अपने ऊपर हावी कर लिया। हम समझते हैं कि बस अगर ये काम ना हुआ तो एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी मौत का मसला है हर चीज। अगर मेरे पास चाय का कप अभी नहीं पहुंचता तो ये भी जिंदगी मौत का मसला है, और अगर इसमें चीनी थोड़ी सी ज्यादा या कम होगी ये भी जिंदगी मौत का मसला है। और ये जो मसला है ना, फिर हमारा ये जो हमारा रवैये का तब्दीली है, इसने हमारे लिए गैर जरूरी चीजों को भी इतना जरूरी कर दिया है कि हमें लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी या उनका ना होना ही हमारी जिंदगी का डिसाइसिव फैक्टर है। हम भूल जाते हैं के बहार आई है, फूल खिले हैं, उस फूल को रुक के उसकी खूबसूरती को देखना और उसके बनाने वाले की तारीफ करना और एक लम्हे के लिए उस लम्हे में खो जाना, समझना यार शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हमें नया मौसम नसीब किया। लेकिन अब हम ये चीजें कुदरती आंख से देखना भी पसंद नहीं करते, हम कैमरे की आंख से देखना पसंद करते हैं। जो हमें मोमेंट एंजॉय करना चाहिए उसको हम कैमरे के थ्रू देख रहे होते हैं कि फ्रेम सीधा है या नहीं, अपनी आंख से एंजॉय नहीं करते। हाँ। अपने दिमाग में कैद ही नहीं करते उस चीज़, सेल्फियों की पड़ी रहती है। अच्छा, अब कल मैं एक अम्मा जी से मिली और बड़े उनके मुश्किल हालात। अच्छा। नौजवानी में बेवा हो गई, बच्चे पाले, लेकिन एक सांस में कोई 10 दफा कहती थी शुक्र है अल्लाह का कि मैं काम करती रही, शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे जो है ना मैंने बच्चे पाल ली। सो मुझे वहां से ये एहसास हुआ कि यार इंसान को मुश्किलात और मुसीबतें और आजमाइशें और परेशानियां नहीं खत्म करती, उसकी नाउमीदी, उसकी मायूसी, उसकी बददिली, उसका अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद ना करना और अपनी जो है ना मसाइल को ही सब कुछ समझ लेना ही उसको तमाम। ऐसा करें कि हम थोड़ा सा कम सोचा करें, हर मामले को इतना जो है ना अपने ऊपर हावी ना कर लिया करें और अल्लाह पर तवक्कल करें, भरोसा रखें, सब मामला ठीक हो जाएंगे। स्ट्रेस जो है वो दूर भाग जाएगा, आपके करीब भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं हम। अवाम की लापरवाही और हुकूमत की ढील का नतीजा, कोरोना बेकाबू होने पर NCOC सख्त फैसले करने पर मजबूर हो गया। तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद, सिनेमा हॉल 15 मार्च से खोलने का फैसला वापस, होटलों के अंदर खाने पर पाबंदी, तमाम तजारती सरगर्मियों पर रात 10 बजे के वक्त की हद नाफिज कर दी गई। कोरोना के बढ़ते केसेस तालीमी सरगर्मियों की राह में रुकावट बन गए। इस्लामाबाद और पंजाब के 7 शहरों के तालीमी इदारे बंद, 15 मार्च से 2 हफ्तों के लिए बंद करने का यह फैसला किया गया। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं जिन स्कूलों में इम्तिहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में 50% बच्चे स्कूल आएंगे। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, फैसला कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों के नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें, इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 48 नौ मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर सादिक सिंजरानी पर एतमाद का इजहार कर दिया। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हम तकरीबन 1.5 हफ्ते से ये बात कर रहे थे कि हम लापरवाही कर रहे हैं और हुकूमत इसके ऊपर कोई फैसला कर सकती है, और वो फैसला सामने आ गया है। फिर से हम पाबंदियों की जद में जा रहे हैं और सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि तीसरी लहर आ चुकी है, मेरा तो ये ख्याल है। बिल्कुल, जब डॉक्टर्स ने उस वक्त भी रेड फ्लैग खड़ा किया था, उनकी तरफ से उस वक्त भी जिसे कहना चाहिए बहुत सारी एतराजात आए थे जब हुकूमत ने तमाम चीज़ों को रिलैक्स किया था कि अभी इसका वक्त नहीं आया, हमारी आवाम इस तरह से इन मामलों को खुद से लागू करने के लिए तैयार नहीं होंगी। लेकिन हमने देखा NCOC ने अब कोरोना
की तीसरी लहर के खदशात के बाय स्कूल्स बंद करने समेत कई पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना की बदलती सूरत हाल को देखते हुए फैसले किए गए। हाँ जी, और इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है और शहरी घर से बाहर फेस मास्क हर सूरत पहनेंगे और ये उनकी अपील है और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि फेस मास्क पहने। हालात फिर ऐसे हैं, हम बच्चों की तालीम को लेके इतने ज़्यादा परेशान थे, फिर दो हफ्ते के लिए बाहर की छुट्टियां कर दी गई हैं। कभी सुनी थी आप साहब? यकीन कीजिएगा कि बस बाहर की छुट्टियां होती थी लेकिन अच्छा नहीं होती थी। हाँ, आपने नहीं एंजॉय की? उस वक्त तो हमारे एग्जाम खत्म होते थे और मार्च में वही टाइम होता था, वही टाइम वो 8-10 छुट्टियाँ मिलती थी, वही स्प्रिंग फेस्टिवल होता था, लेकिन वो खुशी के साथ होती थी। ये मजबूरी के साथ जो छुट्टियाँ ये परेशानी का बाइस है। अब बाजारों में कल जाने का इत्तेफाक हुआ, कोई किसी को परवाह नहीं है भाई, किसी को अंदाजा ही नहीं है कि जो फेस मास्क लगाए हुए लोग हैं ना, लोग उनको देख के हंसते हैं। और मुझे तो एक दो लोगों ने मजाक भी किया, कहते हैं किधर है कोरोना। मैंने कहा वो जब आ जाता है ना तो उसके बाद वो किसी को मौका नहीं देता बताने का कि कहाँ है। लेकिन हमारी यही जिसे कहना चाहिए गैर जिम्मेदारी है, जिसका नतीजा ये है कि अब दफातर में 50% मुलाजमीन के घर से काम करने की पॉलिसी भी जारी रखी गई है। तफरीह मुकामात को शाम 6 बजे भी बंद किया जा रहा है। सिनेमा हॉल्स को 15 मार्च से खोलने का फैसला जो है वापस ले लिया गया है। होटल्स में अंदर खाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शादी हॉल्स के हवाले से भी पॉलिसी जो है वो उसी तरह से बरकरार रखेगी और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद हैं और बेशक ऐसा ही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि हम तीसरी लहर में दाखिल हो चुके हैं या अभी हम दाखिल हो सकते हैं? खदशात ही हैं जिस तरह से हुकूमती तर्जुमान बात कर रहे थे। खदशात ही हैं बिकॉज ये तीसरी लहर जो है या ये जो नंबर्स बढ़े ये पूरे मुल्क में अभी नहीं बढ़े। आई थिंक ये पंजाब और KPK में ज्यादा बढ़े हैं। सिंध में अभी भी थोड़ा सा अमन है, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ें सच चलती रहें तो फिर ये तीसरी लहर में ही तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जैसे बहुत सारे लोग ना टाइम फैक्टर को रिलेट कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट वेव यही दिन थे, इसी तरह से हमें पता चला था, हम थोड़ा कैजुअल थे, हमने कहा नहीं पाकिस्तान में टेम्परेचर आगे बढ़ने वाले हैं, हो सकता है मसला इतना ना बढ़े, तो क्या अब भी हमें इसके बारे में रिलैक्स रहने की ज़रूरत है कि ये नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन एवरीथिंग विल बी फाइन, या हमें वाकई इसके बारे में कुछ अब ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ना, विजिलेंट होना पड़ेगा। एंड देखिए पिछले साल और इस साल में बहुत फर्क है। एक तो इस बीमारी को हम थोड़ा जान गए, दूसरा ये वायरस भी थोड़ा तब्दील हो गया है। ये जो नया वायरस ये जो पंजाब में जो हम देख रहे हैं और KPK में ये नया वेरियंट थोड़ा ज्यादा है वहाँ पे, जो बरतानिया वाला है, जो कि ज्यादा तेज से फैलता है और उसमें अम्बाद की शराब भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हमको थोड़ा सा और एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमने 2000 केसेस जो हैं फिर से वो एक फिगर को टच कर लिया है, अगर 24 घंटे जो गुजशत है उनकी बात करें 2258 नए केसेस सामने आए हैं, अब ये कितनी खौफनाक सूरत हाल है कि हम तो कहीं बहुत नीचे चले गए थे फिर हम 2000 से ऊपर आ गए हैं। क्या उतने ही टेस्ट हो रहे हैं जितने जब हम सेकेंड वेव के दौरान थे टेस्ट हो रहे थे? जी, टेस्ट की शरह में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, 19-20 का फर्क तो आता रहता है, मगर डेफिनेटली टेस्ट तकरीबन इतने ही हो रहे हैं और केसेस में ये इजाफा हुआ है। और अभी तक एटलीस्ट अगर मैं सिंध की बात आप बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे अस्पताल पे ज़्यादा लोड अभी नहीं आया, मगर अगर चीज़ें बढ़ती रहती हैं एंड आई एम श्योर पंजाब में ऐसा है कि हॉस्पिटल पर दोबारा लोड आना शुरू होगा, दोबारा हम उधर ही खड़े होंगे जहाँ पे कुछ महीने पहले खड़े। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब, ये सब हम सब की दुआ है। ये भी फरमाइएगा कि पूरी दुनिया जो है वो वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करिए, बढ़ चढ़ कर लोग वैक्सीन जो है वो ले रहे हैं, ना सिर्फ ले रहे हैं बल्कि अपने लोगों को लगा रहे हैं, तेज़ी से वैक्सीन का रोल आउट जो है वो जारी है और इसकी वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करते जा रहे हैं अपने निज़ाम ज़िंदगी को, कारोबार को, मईशत को। हमारे यहाँ पर वो सिलसिला भी नहीं है और गवर्नमेंट ने फैसले भी लिए एकदम से कि जी सब कुछ खोल दिया जाए, स्कूल्स भी खोल दिए जाएँ। आपके ख्याल में ये फैसले कुछ ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थे, वक्त की ज़रूरत थे, इनके किए बगैर गुजारा हो सकता था, या ये जो अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ये अवॉइड की जा सकती थी?
सो ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि हम क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं इज ऑलवेज ईजियर जब पीछे देखते हैं, मगर याद रखें कि ये ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दूसरे ममालिक में भी ये हुआ है कि जब आप थोड़ा सा ईज करते हैं तो आपके रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक सवाल ये बनता है कि और करना भी ये चाहिए जो हो रहा है कि आप अपने रेट्स देखें, अपने हालात देखें और उसी तरह से अपने रिकमेंडेशन दें जो कि हो रहा है। आपने यही देखा है कि जैसे कि अगेन मैं वही मिसाल दूंगा कि पंजाब के अंदर स्कूल्स बंद हो गए मगर सिंध के अंदर 50% बिकॉज़ यहाँ पे रेट्स अभी इतने नहीं बढ़े, अगर मजीद बढ़ते तो वो और सख्ती हो जाएगी। तो आप हालात देखते हैं और अपने रेट्स उसी हिसाब से आगे पीछे। ठीक है डॉक्टर फैसल, हमें ये भी आप बताइएगा कि हमने ये देखा कि पहली लहर आई उसमें पाकिस्तानियों को उतना ज़्यादा उसने अफेक्ट नहीं किया, हमने कहा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, फिर हमने दूसरी लहर आई उसमें भी यही सूरत हाल देखी, लेकिन तीसरी लहर जो आ रही है इसके अंदर हम लोग जिन लोगों को जानते हैं उनसे बात की जाए तो मोस्टली ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और अब सिम्टोमेटिक केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आपकी भी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि ये ज़्यादा सख्त केसेज आ रहे हैं? सो अब है ये कि बहुत सारे केसेस जो हैं जब आते हैं तो पहली लहर में तो ये था कि लोग फौरन ही अस्पताल का रुख करते थे, अब लोग जो हैं वो थोड़ा सा देर से हॉस्पिटल आ रहे हैं और हमने भी ये देखा है यहाँ पे कि लोग बहुत देर से आ रहे हैं और उस वक्त तक इलाज में भी बहुत हमको दिक्कत हो रही है। तो एक तो ये इसकी बड़ी वजह है, दूसरी ये कि हमारे ज़ईफ़ लोग इस दफा थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हुए और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बेहतर हो के फिर एक दो हफ्ते बाद दोबारा दाखिल होते हैं अस्पताल में और उनकी अमात होती है और ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे फिर ज्यादा शुमार में काउंट नहीं होते। सो एक्चुअली हालात थोड़े से और यू नो कंपेयर टू नंबर्स थोड़े से और बुरे हैं जितना हमको नंबर्स के मुनासिबत से लग रहा है। ओके डॉक्टर साहब, आप फिर क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, क्या करें हम बहसियत कौम अपने इलाके में, और स्कूल्स के हवाले से भी बता दीजिएगा एज वायरोलॉजिस्ट आपके कंसर्न्स क्या हैं, क्योंकि एज पेरेंट्स हमारे कंसर्न्स हैं ये कि मई जून में एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट होंगे, बड़े बड़े हॉल्स होंगे, बच्चे वहाँ पे बैठेंगे, उन्होंने पेपर देने, अभी तक उसके बारे में कोई और फैसला जो है वो नहीं किया गया, यही है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अभी अगर स्कूल बंद भी कर देंगे तो वो जो एक डेढ़ महीना है आप सजेस्ट करते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो सेफ होगा और वालदैन जो है रिलैक्स होकर बच्चों को भेजें एग्ज़ाम्स के लिए? सो इनफरादी लेवल पे क्या करना है वो तो हम सबको पता है, एंड आई थिंक यही है कि ये हमारी रियली समाजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम वायरस से बचें, एंड अब इतना मुश्किल नहीं, अब तो पता भी है ये वायरस कैसे फैलता है, एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट कि आप मास्क पहने, हुजूम में ना जाएं, वेंटिलेटेड जगह पे रहें और हाथ साफ रखें, ये तो सिंपल चीज़ें एक तरह से। बट एंड जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक है तो स्कूल्स में ये जरूर है कि एस ओ पीज फॉलो करना नस्बता आसान होता है बनस्बत अगर आप कोई मॉल में जाएं या बाहर बाजार में जाएं, तो एज लॉन्ग एज एस ओ पी फॉलो हो रहे हैं तो देर शुड बी नो इशूज विद द एग्जाम। अब एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है, इतने सारे तालब इलम को इम्तहान कैसे करना है, क्या ब्रेक करके करें या दो बैचेस में करें, इस पर नजर डालनी है ना, आई गेस वो डिपेंड करता है कि उस वक्त हमारे रेट्स क्या हैं, जैसे हालात उसी तरह के एस ओ पी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी हमें बता दें, हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी साहब, उनको दूसरी दफ़ा कोरोना हो गया है, लोग ये समझते हैं कि जिसको एक दफ़ा कोरोना हो जाएगा शायद उसको दोबारा नहीं होगा और वो बिल्कुल एहतियात जो है उसका दामन हाथ से छोड़ देते हैं, ये बता दीजिएगा कि आप लोगों के सामने भी ऐसे केसेज आए जिन लोगों को दूसरी दफ़ा कोरोना हो गया, क्या आम आदमी दूसरी दफ़ा कोरोना वायरस का शिकार हो सकता है? बिल्कुल, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना दोबारा होता है, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि एक दफ़ा कोरोना होने के बाद दोबारा आते हैं कोविड के साथ, और कुछ ऐसे हैं जिनको पहली लहर में हुआ था, कुछ ऐसे हैं जो कि सेकेंड लहर में ही उनको सेकेंड इन्फेक्शन भी हो गया, और हमने इसके बाद अमवात भी देखें कि दूसरे इन्फेक्शन के बाद उनकी जान हम नहीं बचा पाए, तो सेकेंड इन्फेक्शन बिल्कुल होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आपको एक दफ़ा कोरोना हो भी चुका है तो एहतियात बरतें, और उसके साथ साथ वैक्सीनेट भी होना है आपको अगर आपको पहले भी कोरोना हो चुका है, ताकि आप आगे इन्फेक्शन से थोड़ा सा बचें। बिल्कुल सही, तो डॉक्टर साहब वैक्सीन के बारे में तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स पाकिस्तान में ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे, जो थोड़ी बहुत वैक्सीन अवेलेबल है उसके बारे में भी वो रिलक्टेंट हैं, तो आप उस रिलक्टेंस के बारे में क्या कहेंगे, क्या वेट एंड सी की पॉलिसी सबकी अच्छी है कि सब लगवा लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि कितनी महफूज है और हम भी लगवाएंगे? नहीं वेट एंड सी नहीं, अगर आप वैक्सीन के खाते में भी आ रहे हैं यानी कि आपकी एज 60 से ज्यादा है या हेल्थ केयर वर्कर हैं तो प्लीज वैक्सीन लगा लें, बिकॉज आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वैक्सीन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में शॉर्ट है, सिवाय कुछ ममालिक में जिन्होंने बहुत सारी वैक्सीन खरीद ली है मोर देन उनकी पॉपुलेशन की जो नीड है। मैंने भी अपनी वैक्सीन दोनों मेरी हो चुकी हैं, बैठा हूँ कुछ भी नहीं हुआ मुझे, एंड बिल्कुल आप जो वैक्सीन मिले आप फटाफट लगवा लें, ताकि जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी हमारी जिंदगी नॉर्मल की तरफ जाना शुरू होगी और उतने अमात कम होंगे।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल महमूद साहब। फैसल महमूद हमारे साथ थे, वायरोलॉजिस्ट हैं और हमें अपडेट कर रहे थे जो उनकी टेक है कोरोना की सारी सूरत हाल के ऊपर। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों में जाते हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका डायरेक्ट बीमारी पर असर पड़ता है। ये बच्चे कैरियर हो सकते हैं अगर बच्चों पर उतना ज़्यादा, खैर आप तो हमने ऐसे वेरियंट भी देख लिए कि जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कैरियर होकर घर में जाके दादा दादी या वालदैन के लिए भी खतरे का बायस बन सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये चीज़ें पहले भी कंसर्न ये उठाए जा रहे थे जिसपे कहा जा रहा था कि नहीं नहीं जब सब मॉल्स खुले हैं, जब सब कुछ खुला है तो फिर स्कूल क्यों बंद हो, स्कूल भी तो खुले रहने चाहिए, अगर बच्चे पार्कों में घूम रहे हैं तो फिर बच्चे जो है स्कूलों में जाके भी पढ़े। लेकिन अब जो है ये जो बंद करना और खोलना है ना हमजा, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बच्चों को एक पैटर्न पे आपने चलाया होता है, उसके बाद फिर वो चेंज होता है, फिर आपको पता चलता है आप स्कूल जाना है, फिर उसके साथ भी एडजस्ट करते हैं, फिर वो चेंज हो जाता है। सो ये एक मुसलसल एक अपसेटिंग सिचुएशन जो है वो जारी है। और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई आसान फैसले नहीं होते हैं कि जी के एक इजलास में बैठे उठे और कहा अच्छा जी बंद कर देते हैं, कितना कुछ वो सोचते हैं और कितनी मुश्किल से ये फैसला करते हैं और कब ये मौका आता है कि वो फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब तो बंद कर देना चाहिए। खैर सिंध और बलूचिस्तान में हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हैं, लेकिन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में मसाइल जो हैं वो वाज़ेह तौर पर अब नजर आ रहे हैं। अच्छा मैं क्रेडिट दूंगी यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा था उस वक्त भी कि हम 50% बच्चे जो हैं वो बुलाएंगे, बिल्कुल हम नहीं बुलाएंगे 100% बच्चे, उसी तरह से हम जारी रखेंगे कि 50% आएंगे और 50% नहीं आएंगे। और ये उनकी जो पॉलिसी थी ये फिर हमें बेहतरी उसकी नजर आई है कि उन्हें स्कूल बंद करने नहीं पड़े, उन्होंने जो 50% का रखा था उसी के साथ कंटिन्यू भी कर रहे हैं। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फरमाइएगा एनसीओसी के तालीमी इदारों से मुतालिक नए फैसले सामने आए हैं, कहा गया है कि सिंध में स्कूलों के अंदर 50% हाजिरी होगी जबकि बहुत से सरकारी स्कूलों में तो ऑनलाइन तालीम का निज़ाम वज़ा भी नहीं है, तो वहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो कैसे मुकम्मल कराया जा सकेगा, इसके बारे में भी कोई पॉलिसी बनाई गई है? देखिए हमने पहले ही जब जो अपना एकेडमिक प्लान का अनाउंस किया था उस वक्त ये तय किया था कि जो बच्चों का सिलेबस है उसको हमने कंडेंस किया था, उसको कम किया था। तो इस वक्त जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम देंगे उनका वो 100% सिलेबस नहीं होगा जो आमतौर पे पढ़ाया जाता है, उसको कंडेंस किया है और अब कम जो है वो सिलेबस के साथ बच्चे तालीम हासिल करेंगे। बिल्कुल गनी साहब, आप लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया था तो अब गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से सिंध का खसूसी तौर पर क्या फैसला है, क्या छुट्टियां जल्द दिए जाने का इम्कान है या छुट्टियां नहीं दी जाएंगी, इसी तरह 50% जो है बच्चे बुलाए जाते रहेंगे? नहीं आज उसमें कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर शायद बाहर की छुट्टियाँ होती हैं पंजाब में पीपी में, सुबह सिंध में नहीं होती हैं। हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ जो होनी थी उस पर पहले से ये तय हुआ था कि पहले वो 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ थी, इस साल हम उसको 1 महीने की छुट्टियाँ रखेंगे। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कोविड के हालात के ऊपर, खुदा न खास्ता अगर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ज़ाहिर है कि उसी तरह फिर बंद भी करने पड़े। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में कुछ इलाकों को छोड़कर वो नस्बता अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए फ़िलहाल ये फैसला किया गया कि तालीम इदारे खुले रहेंगे सिवाय उन शहरों के जहाँ पर जो शरह है कोविड के फैलने ऑफिसर के करीब है। बिल्कुल से भी फरमाएगा कि स्कूल्स क्या SOPs पे अवज दरामद नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे कुछ हमारा फेलियर हुआ या स्कूल में जो टेस्टिंग की जा रही है कोरोना टेस्टिंग उसके नतज क्या हैं? सिर्फ स्कूल्स में नहीं हुआ है, ये तासर गलत है कि सिर्फ स्कूल्स में हुआ है, ये ओवरऑल पूरे आपके शहरों में इजाफा हुआ है और ज़ाहिर है कि फिर जब पूरे शहर में इजाफा होगा तो फिर उसके अंदर तालीमी इदारे भी आते हैं। हमारे यहाँ तो स्कूलों में भी जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसमें भी जो शरह है वो बहुत अच्छी है। पंजाब की सूरत हाल भी जानेंगे, इस वक्त मुरादराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुरादराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। क्या पंजाब में वाकई इतनी सूरत हाल ख़राब हो गई कि हमें स्कूल्स को बंद करना पड़ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊँ कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते ही जी जब डिसीजन आ रहा था जी सब स्कूल्स को, फेडरल ने कहा जी कि नॉर्मल खोल दें, हमने नहीं खोले, हमने बैठ के डाटा देखा और हमने कहा जी 7 जगह हैं जहां पे हम 20 केसेस से ऊपर जहां पे आ रहे हैं ना वहां पे हमने उसी तरह स्टैगर करके चलाना है जिस तरह हम पहले चला रहे थे, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट में हमने नॉर्मल स्कूल चला दिए। आप ये देखें कि आज 10 दिन 2 हफ्ते के बाद जो हमने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि अभी भी नंबर्स जो बड़े हैं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े।
तो इसलिए अच्छा, और इसमें ये प्लीज आपने बात जरूर एक चीज बड़ी क्लैरिटी से सबको पता होनी चाहिए कि इसमें ये नहीं है कि स्कूलों में केसेस बढ़ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ गए। तो अगर हमने जिस तरह हम कल भी बात एनसीओसी में यही हो रही थी कि जी सिर्फ स्कूल नहीं बंद करने, फिर उसके साथ जो आपने इंडोर डाइनिंग का किया था वो भी खत्म करें कि इंडोर डाइनिंग नहीं होगी, वो 15 से होनी थी। उसके बाद जो पार्क्स हैं आपने देखा वो भी 6 बजे बंद हो जाएंगे। तो हमें वो सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी जो पहले हम कर रहे थे। इसलिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट द स्कूल, इट्स अबाउट द होल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है मुरादा साहब, लेकिन 100% हाजिरी के बारे में पंजाब ओवर एम्बिशियस था। मतलब अगर सिंध ने कहा कि हम 50% बच्चों को बुलाएंगे तो आपने कहा नहीं 100% बच्चे जो हैं वापस आएंगे, तो एक इस बारे में बताइएगा। और दूसरा जो बार बार कंसर्न रेज कर रही हूँ मैं भी और बहुत सारे और पेरेंट्स भी जिनके कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के एग्जाम्स हैं कि वहाँ पे तो ये है कि मई जून में एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो वो फैसला विल स्टैंड स्टिल अगर खुदा न खासा हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते हैं, या वहाँ पर भी कोई कंसिड्रेशन है वफाकी वज़ीर तालीम जो है उनके साथ इस मामले पर भी कोई मुशावरत हो रही है? नहीं देखें, ये इंडिपेंडेंट फैसले हैं अपने सूबों के, और इस पे हमने तो डिसाइड कर दिया कि जो एग्जामिनेशंस हैं लाइक जिस तरह स्टैंड अप्स वगैरह इस वक्त हो रहे हैं या एसएटी के एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं उनकी हमने इजाजत दे दी। हमने बिल्कुल उनको नहीं रोका कि वो बच्चे आएंगे सिर्फ एग्जामिनेशन लेंगे और चले जाएंगे, एसओपीज को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह देखें पिछले साल बच्चों को हमने पास कर दिया विदाउट एग्जाम एंड विदाउट एवरीथिंग, इस साल ये नहीं होगा। जो उनको पहले हमने होमवर्क दिया था ना छुट्टियों के अंदर, हमने उसको भी ग्रेड किया और इंशाल्लाह ताला इस दफा एग्जाम भी होंगे मगर पूरे एसओपीज के साथ होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि बच्चों को दो दो साल प्रमोट कर दें विदाउट एग्जाम। बिल्कुल ठीक है मुरादरा साहब, हमें ये भी बता दें क्या आप क्या देख रहे हैं, खदशात हैं क्योंकि आप शुरू से ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये बात नहीं है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं, हर चीज़ बंद होनी चाहिए, बच्चे तफरीही मकामात पर निकल जाते हैं, तो अब 28 मार्च तक क्या सूरत हाल बेहतर होने की कोई इम्कानात मौजूद हैं या फिर हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा फैसले को, इन शहरों में मज़ीद आगे जाना पड़ जाए शायद लॉकडाउन के लिए? आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इन शहरों में तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर जरूर होंगे मगर रिव्यू के बगैर एब्सोल्युटली मैं ना बच्चों की जिंदगियां खतरे में डाल सकता हूँ ना टीचर्स की ना उनकी। तो इसलिए वी हैव टू रिव्यू दिस एंड देन गो फ्रॉम देयर। मुरादरा साहब ये भी फरमाइएगा यकसा निज़ाम तालीम के इतलाक की भी बात हो रही है इसी साल से, अब जब कोविड की वजह से इतना ऑलरेडी अपसेट चल रहा है सारा स्केजुअल माहौल, तो आप समझते हैं कि उसको भी मौखर किया जा सकता है या किया जाना चाहिए ताकि मज़ीद एक और नया फैक्टर ना आ जाए कि बच्चे पहले ही बड़े परेशान हैं, वालदन को पहले ही कुछ समझ नहीं आ रही एकेडमिक ईयर्स की और सारे मामला के, ऊपर से निसाब जो है उसकी कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाए? नहीं देखें वो दिस इज दैट, वो तो पढ़ना है ना, पढ़ाई है सर, तो उसमें वो उसमें आपने जब स्कूल जाना है तो एक चीज है तो दूसरी चीज पढ़नी है, तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि वो अगस्त 1 से शुरू होना है। तो हमारा तो मेन कंसर्न इस वक्त ये है कि इस साल को हम करियर से एंड कर दें किसी तरह, क्योंकि पहले मार्च में हुआ था, अब आपको पता है मई जून में हो गया, तो इसलिए मैं तो सिर्फ चाह रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ इस वक्त इस साल को हम करियर से एंड करें एंड देन वी विल मूव फ्रॉम दैट। बिल्कुल ठीक है, वज़ीर तालीम पंजाब मुरादरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। करेंगे जिन शहरों की खास तौर पे बात हो रही है वो पहले से ही ऑब्जर्वेशन आ रही थी कि यहाँ पर केसेस बढ़े हैं लेकिन स्कूल्स में केसेस उस तरह से नहीं बढ़े हैं। हमजा कोविड ने हमें एक बात सिखाई है, जो दिन आपका गुजर रहा है उस पर शुक्र करें, बहुत लंबी प्लानिंग हम नहीं कर पा रहे। आपने देखा एनसीओसी भी जिसे कहना चाहिए ना सिचुएशन टू सिचुएशन जो है फैसले किए जा रहे हैं हालात वक्त की जरूरत के मुताबिक। सो अब आगे क्या होगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, एक बात जरूरी की जा सकती है अगर हमने एहतियात की तो हमारी जिंदगी मईशत कारोबार और निज़ाम जिंदगी जो है वो चलता रहेगा और अगर ना किया तो यही हालात होंगे जिस तरफ हम फिर से जा रहे हैं और ये इससे भी मुश्किल फैसले करना पड़ सकते हैं अगर हमने एहतियात ना किया। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कोरोना की नई सूरत हाल के ऊपर जिसमें मुल्क में केसेस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो फिर एनसीओसी के सख्त फैसलों की सूरत में हमारे सामने आया है। इस वक्त हम बात करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत से लियाकत शाहवानी से, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, और अपडेट लेंगे उनसे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस जो हैं वो कम हैं, उसकी वजह आबादी का फैलाव है,
जो कम है या हुकूमती इकदाम इतने अच्छे हैं कि वबा पे काबू पाना मुमकिन हो गया? जी, इकदाम भी हैं और स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, और जो स्पाइक पाकिस्तान में आई खासतन मई और जून में, उस पर तो बलूचिस्तान जो है दीगर सूबों की तरह वो भी ज्यादा मुतासर रहा, केसेस बहुत बड़े, अमवात भी लोगों के बहुत वाकई हुए, लेकिन फिर मेजर्स भी हमने उठाए, लॉकडाउन को रिस्ट्रिक्ट किया और जो सख्त फैसले हैं वो करना पड़े, और जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव जो है कम हुआ। लेकिन सेकेंड वेव में अगेन केसेस बढ़ना शुरू हुए, और ये सेकेंड वेव तकरीबन जो है फरवरी तक ये थम गया। अभी जो बलूचिस्तान बीसीओसी का जो मीटिंग हुआ है उसमें ये खदशा जाहिर किया गया है कि थर्ड वेव के खदशात व खतरात जो है वो मौजूद हैं और केसेस बढ़ना शुरू हो गए। पिछले महीने हमारे जो एवरेज केसेस थे 1.5% थे, लेकिन मार्च के पहले 10 दिनों में ये 2.3% तक पहुंच गए। कल जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे उसका 4% जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है, और दो अमवात भी जो है पेशेंट्स के वाकई हुए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि केसेस जो है बलूचिस्तान में वो बढ़ रहे हैं, गो के तनासुब के लिहाज से बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अब तक फैलाव नहीं है। लेकिन अगर हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए तो फिर जो है कोरोना फैल सकता है, और मार्च का महीना वैसे भी पिछले साल आज ही के दिन जो है 12 साल का बच्चा बलूचिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, गो कि उस बच्चे का ताल्लुक दादू से था, वो क्वारंटाइन सेंटर में थे, उसका टेस्ट जो है यहाँ से पॉजिटिव आया था। तो वो मार्च टू मार्च जो है पूरे एक साल का सूरत हाल, क्योंकि पूरे एक साल हो गए कोविड को रिपोर्ट करते हुए, तो एक खदशा जो है वो जाहिर हो रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता जो है लास्ट मार्च में पहली वेव आई थी और कहीं इस मार्च में जो है थर्ड वेव जो है वो सर्न आउट है, तो केसेस जो है बढ़ना शुरू हो गए। एक्टिव केसेस हमारे साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से 8, 10, 15, 20 से ज्यादा नहीं थे, आज की तारीख में वो 110 एक्टिव केसेस हैं। बिल्कुल, बीसीओसी का जो मीटिंग हुआ है बलूचिस्तान में उसमें जो तैयारियों का हमने जायजा भी लिया है, और थर्ड वेव के खतरे के पेश नजर मेजर्स भी हम उठा रहे हैं। जो हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं कोई 96 हैं बलूचिस्तान में, 68 हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको वापस हम जो है ऑपरेशनल फर्दर मजीद ऑपरेशनल कर रहे हैं। ऑपरेशन तो ऑपरेशनल तो हैं, लेकिन चूंकि केसेस कम हो गए थे, और साथ ही अगर केसेस बढ़ते हैं तो उस सूरत हाल में स्मार्ट लॉकडाउन कहाँ किया जाना चाहिए, एरियाज भी हम लियाकत चवानी साहब हमें शुरू कर देंगे। जी ठीक है लियाकत चवानी साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा टेस्ट कितने हो रहे हैं, कि हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट्स ने टेस्ट कम करना शुरू कर दिए। अब अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 5.3% हम शरह देख रहे हैं कि मुस्बत केसेस की शरह है, तो बलूचिस्तान में 4% हो जाना ये भी कोई कम नहीं है। स्कूल में टेस्टिंग हो रही है, हम कैसे ये फैसला करेंगे कि स्कूल में केसेस कम आ रहे हैं? जी, टेस्टिंग स्कूल में भी हो रहे हैं, मजमूई तौर पे टेस्ट हो रहे हैं। लेबॉरेटरीज हमारे जो है ना क्वेटा में 5 काम कर रहे हैं, दीगर इजला में भी हमने इस्टेब्लिश किए, फर्दर 8 और इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के कम होने के बाद जो लोगों का जो एक खौफ है वो भी कम हुआ, फिर वैक्सीनेशन की आमद के साथ एक इत्मीनान का लोगों ने उस पर भी सांस लिया, और टेस्टिंग की जो शरह वाकई वो कम हुई है। एवरेज जो है इस वक्त पर मंथ जो है हम जो है 12 से 15,000 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, कल 416 टेस्ट कंडक्ट हमने किए थे। लोगों का भी इस तरफ जो है जाहिर रुझान और तवज्जो कम हो गया था, लेकिन जो जो केसेस बढ़ेंगे तो लोगों का अगेन इस तरफ तवज्जो होगा, रुझान होगा। तो हम टेस्टिंग जो है हमारी जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी वो तो मौजूद है, लेबॉरेटरीज मौजूद है, हमारे स्टाफ जो है वो मौजूद है। लोगों का आमद कम हुआ तो अभी अगेन केसेस अगर बढ़ते हैं तो फिर हम मैंडेटरी इसको इस तरह बनाएंगे कि जो दफातर हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर डेस्क स्टेब्लिश करेंगे, कोई भी पेशेंट अगर वहां पर ट्रीटमेंट के घर से आता है तो उसको इस बात पर पाबंद किया जाएगा कि वो उनका जो है टेस्ट सैंपल लिया जाए। ठीक है सर, ये भी फरमाइएगा, आपने मार्च का रेफरेंस दिया तो उस वक्त भी हमने देखा था कि बॉर्डर से बहुत ज्यादा मूवमेंट की वजह से अभी एक खतरा था कि कोरोना का फैलाव जो है वो ज्यादा हुआ, तो कीपिंग दैट इन व्यू अब कैसे एसओपीज रखे गए हैं कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ताफ्तान बॉर्डर या वहाँ से उनकी टेस्टिंग की जा रही है, इन चीज़ों पे भी चेक रखा जा रहा है, और कैसे ऐसे मेजर्स दिए जा रहे हैं कि अगर अभी हालात बेहतर हैं बलूचिस्तान में तो इंश्योर किया जाए कि थर्ड वेव ना आए और जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक रहे? डिपेंड करता है लोगों की संजीदगी पे,
कोविड के जो SOPs है उस पे अमल दरामद का। आज की तारीख में दूर दराज एरियाज के भी ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसको कोरोना के SOPs के बारे में इलम ना हो, या कोविड को वो नहीं जानता हो, या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उसको नहीं मालूम हो। एक साल हमने गुजार लिया और गवर्नमेंट जो है यही कर सकती है मैक्सिमम कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील अल्तिजा कर सकते हैं। अगर लोग हमारी बात नहीं सुनते तो पूरी दुनिया में एक ही तरीका राइज है अब तक कि वो लॉकडाउन का तरीका कहा रहा है, स्कूल बंद होंगे, मार्केट्स बंद होंगे, दफातर बंद होंगे और फिर लोग जो है अपने घरों में मुकैद होंगे। तो आप उसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दें, मुकम्मल लॉकडाउन का नाम दें। कुछ ममालिक में कर्फ्यू इम्पोज हुआ लेकिन एंड ऑफ द डे लोगों को जो है परेशानी का सामना होता है, गवर्नमेंट को परेशानी का सामना होता है। तो हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं अगर लोगों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो हम तो एरियाज आइडेंटिफाई करना शुरू कर रहे हैं, खसूसन क्वेटा में केसेस की जो शरह है दीगर इजलास के मुकाबले में ज्यादा है, तो क्वेटा में हम एरिया वाइज आइडेंटिफाई करेंगे और लोगों ने अगर हमारा बात नहीं सुना तो फिर लॉकडाउन ही वाइज ऑप्शन रह जाता है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। गो के अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मैं आवाम को आपके शो के तवज्जो से ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड वेव का खतरा है लेकिन अभी तक कोई थर्ड वेव आया नहीं है। बिल्कुल ठीक है, खतरा मौजूद है, खदशात मौजूद है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि ना है, तो लोग सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं खदशात मौजूद है, अगर आपने एहतियात की तो तीसरी लहर नहीं आएगी बलोचिस्तान में। हर बंदा यही कह रहा है, सो किसी की सुन ले, किसी की मान ले, किसी की सुन ले, किसी की मान ले। सो इस हवाले से बात करेंगे अब हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा से। क्विकली मिर्जा साहब ये फरमाएगा कि तालीमी इदारे फिर बंद कर दिए गए, इस बार आपको कोई कंसर्न तो नहीं है कि निजी स्कूलों को एतमाद में नहीं लिया गया और गम गुस्सा वो तो नहीं है जो पहले था बंद होने पर? देखिए जी, ये आज का जो वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस का जो फैसला हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है। इसमें किसी भी लेवल पे और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और हमारी 300 से ज़्यादा तंजीमें इतमाद में ना लिया गया है और यकदम ये फैसला सामने लाया गया और इसमें ये ज़्यादती है हमारे उन 5 करोड़ तलबा के साथ जो ऑलरेडी जिनका तालीम का बहुत हर्ज हो चुका है। हमारा 2 करोड़ 30 लाख बच्चा पहले ही आपको पता आउट ऑफ स्कूल है, तो 7.5 करोड़ बच्चों की तालीम के साथ ऐसे घिनौने मजाक बड़ा अलमिया है और इसमें के किसी भी लेवल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को जो इत्माद में नहीं लिया गया और काबिल अफसोस ये है एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और इस स्टेज के ऊपर तमाम बड़े शहरों में पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर में और मुजफ्फराबाद में ये बहुत अजीब सी बात है कि जब इन्होंने ये फैसला किया है तो इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जो है कंसिडर नहीं किया। क्योंकि अगर आप कोरोना केसेस के हवाले से देखते हैं तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक भी कोरोना केस किसी प्राइवेट स्कूल में इस दूसरे वेव के बाद सामने नहीं आया, जो आए हैं वो पब्लिक स्कूल्स के आए हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। फिर दूसरी बात अगर इस केसेस की बात करेंगे तो सिंध में पंजाब से ज़्यादा जो सूरत हाल वो बिटर है लेकिन वहाँ स्कूल उनको फैसला किया सिंध ने तलीमी इदारे खुले रहेंगे, बलोचिस्तान में खुले हैं और बाकी पाकिस्तान के साथ जो इम्तियाजी रवैया है ये बहुत अफसोसनाक है जब बिलखसूस इतना ज़्यादा। लेकिन काशिफ मिर्जा साहब हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव आने की जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी शरह 5.3% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2000 से ज़ायद जो हैं लोग कोरोना में मुब्तला हुए हैं और अब सिर्फ हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए बंदिश का ऐलान तो नहीं किया, बाकियों के लिए भी सख्त फैसले किए हैं जो आप कहते थे कारोबारी अफराद के लिए या फिर ऐसे मकामात जो तफरीही मकामात हैं वहाँ पर पाबंदियाँ बरकरार रखी गई हैं। अब आप एतराज नहीं कर सकते कि आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, बच्चों की जिंदगियां सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि इस वक्त भी जो फैसला किया गया है पूरा पाकिस्तान तमाम शोभा जात के SOPs के हवाले से कुछ उन्होंने जो सख्तियां जरूर की हैं लेकिन किसी भी सेक्टर को बंद नहीं किया, और अगर उन्होंने बंद किया तो उसका नजला फिर एक मरतबा तालीम के ऊपर ही गिरा है। और आपको ये भी पता है कि यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, इवन UNO, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने ये कहा है कि कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का हुआ है। 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है। पूरे पाकिस्तान में एक भी बच्चों के हवाले से सीरियस केस सामने नहीं आया। और सबसे खूबसूरत बात इसमें यह थी कि खुद ही NCOC के चेयरमैन असद उमर, शफकत महमूद समेत तमाम वज़ीरे तालीम ये कह रहे हैं कि जो तालीमी इदारे हैं उनमें SOPs का भरपूर अमल दरामद हो रहा है और तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैल रहा। लेकिन बंद किया गया तो फिर दोबारा तालीमी इदारों को बंद करने की जो है ये कोशिश की गई है। और आप ये गौर करें कि पार्क्स में 6 बजे के बाद पाबंदी है, 6 बजे से पहले क्या कोरोना फ्री हो गया वो पार्क, और फिर हमारा बच्चा पार्क्स में, मॉल्स में, शादियों में, हर जगह अवेलेबल है,
लेकिन अगर वो तालीमी इदारे में आता जहाँ उस एस ओ पीज को इंश्योर करवाया जाता है और फिर वहाँ पे पाबंदी लगा दी जाती है तो ये बड़ा अलमिया है। तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिव्यू किया जाए और तालीम के जो सिलसिला है जारी रखा जाए, एग्जाम ये हैं। ठीक है काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अब हम आते हैं सियासत की तरफ, जो कि इस वक्त पूरी गर्मा गर्मी के साथ मुल्क में जारी है। सैनेट इंतखाबात के मार्के के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी मैदान, सियासी खड़ा कल सजेगा जिसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो लोग क्या सराहियाँ कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत अपोजिशन पार्टियों ने दोनों ने नंबर गेम पूरी करने की पूरी कोशिशें जो हैं वो इस वक्त तेज़ की हुई हैं। हाँ जी, और चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत ने तो सादिक संजरानी साहब और पीडीएम ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को उम्मीदवार नामजद कर दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का नाम अभी तक सामने ना आना हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, ये एक हैरत अंगेज बात है। फिर जो अलायज हैं, जो बाकी पार्टीज़ हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दे दिया, आप जो मर्जी फैसला करें। लेकिन साथ ही एमक्यू पाकिस्तान ये भी कह रही है कि हम देखेंगे शख्सियत कैसी है। हाँ, और वहाँ पे वो सिंध के साथ भी ना, वो वैसे थोड़ा सा उन्होंने इस दफ़ा मुलाकात में नासिर शाह के साथ थोड़ा सा ज़रा टिल्ट भी दिखाया, एक जैसे हम टिल्ट तो नहीं कह सकते, बाज़ सियासी टिल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी, जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जोड़ तोड़ चल रहे हैं, तो अब क्या मालूम कौन सा जोड़ बनता है और कौन सा तोड़ जो है वो बन जाता है। और खैर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कि उनको चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ने की जो राह थी वो बिल्कुल हमवार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक दरख्वास्त जो है गुज़श्ता रोज़ मुस्तरद कर दिया। आपको मालूम है कि इनका नोटिफिकेशन जो इनकी नामजदगी जो है उसके बारे में थोड़ा रोका गया, उसको क्यों रोका गया था? वो एतराज था ना उसके ऊपर, वो एप्लीकेशन गई थी जी, लेकिन टू इंश्योर के कानूनी ऐसे मामलात तो नहीं है कि पीडीएम जब इन्हें नॉमिनेट कर दे तो उसके बाद कोई रिबटल आ जाए। सो जब पीडीएम ने इन्हें नॉमिनेट किया तो दे वर 100% श्योर कि अब इसके बाद जो है कोई कानूनी नुकता ऐसा नहीं है। उनके लॉयर्स ने इन तमाम मामला को देखने के बाद, इस खास मामला वो था वो जो वीडियो स्कैंडल एक सामने आ गया, उस हवाले से बात कर लेंगे। कि हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असम्बली। आली हमजा साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जो दरख्वास्त थी वो तो मुस्तरद हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाइअमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो मैं एक बात को क्लैरिफाई कर दूं, हमारी पिटिशन के दो हिस्से थे। पिटिशन का एक हिस्सा ये था, जब कल की पिटिशन से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन में हमारे और ऑनरेबल मेंबर्स जब पेश हुए तो इलेक्शन तो इस चीज को एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था कि उससे फरीक बनाना चाहिए यूसुफ रजा गिलानी को और मूसा गिलानी को। तो मैं तो कहूंगी कि हमने आधी सक्सेस तो हासिल कर ली है, बिकॉज वही चीज तो एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। वो तो ये कह रहे थे क्या इस वीडियो के अंदर मूसा गिलानी है। कल उन्होंने ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया बल्कि उन्होंने दोनों नोटिसेस इशू किए और अब उस नोटिस के ऊपर फैसला 22 को होना है। देखिए सोचना में नहीं है, सोचना अब पीडीएम को है, इसलिए कि जिस तरह से आपने इंट्रो में बताया कि उनकी राह, उनकी बिल्कुल राह हमवार है। अब जब वो आएंगे तो पाकिस्तान की आवाम ये देखेगी, एक बंदा जो वोटों को खरीद कर, देखिए नंबर गेम सबके सामने होती है, सबको पता है कि उन्होंने वोट को खरीदा है, तो पाकिस्तान के आवाम के सामने उनका मुकदमा आएगा। वो आकर इस पिटीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने समाप्त करते हुए जो एतराजात लगाए थे, आपकी दरखास्त जब कहा था तरमीम करके लेकर आए, तो उन्होंने यही ऑब्जेक्शन किया था जो अभी आप बातें कर रही हैं कि सबूत भी तो लेकर आए और वो लोग जिन्होंने लिए हैं पैसे उनको भी तो यहाँ पे नामजद करें, इसलिए कि जो लेने वाले हैं ये तो नहीं हो सकता कि वो पैसे लें और दंदनाते फिरें। तो वो ये जो एक इतराज था कि आपने जो एप्लीकेशन लिखी वो वन साइडेड थी, आपने ये तो कह दिया कि अली गिलानी पैसे दे रहे हैं लेकिन जो लोग पैसे ले रहे हैं उनका कोई जिक्र नहीं था। सो ये अगर आप करती तो आपको नहीं लगता कि शायद मामला और सूरत हाल जो है वो फर्क होती? मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जो कल हमारी इस्तदा थी इलेक्शन कमीशन से और हमने जिस चीज को कल वहां बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया,
एक तो हमने उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद कराई, दूसरा हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अवाम के दरमियान है, क्योंकि अवाम ये जानना चाहती है कि ऐवान बाला जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस में कितनी खरीदो फरोख्त हुई है और क्या खरीद फरोख्त करने वाला शख्स इस काबिल है कि उसे ऐवान का चेयरमैन बनाया जाए। तो मैं अपनी बात को पहले कंप्लीट करके आपके पॉइंट की तरफ आती हूँ कि पीडीएम के इस वक्त सोचने का मकाम है कि कल को जब 22 को और उस बात भी शायद इसमें पड़े 22 को जब ये सारा मुकदमा चलेगा और एक ऐसे बंदे के ऊपर ऑलरेडी जो उंगलियां भी उठ रही हैं, तो क्या उसकी कोई इखलाकी जवाब बनता है कि वो सीट के क्वालिफाई भी करे। अब आ जाए कि हमारा इलेक्शन कमीशन में हमने दो बयान हल्फी जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन ने उनको भी और गवाहान हमने पेश किए जो मूसा गिलानी के साथ मिले हैं और उसने उनको ब्राइब किया है। तो ये सारी चीजें थी जो कल इलेक्शन कमीशन के सामने जब आई तो उन्होंने हमें 22 तारीख की डिक्री और बाकी फरीकों को भी बुलाया, और बिल्कुल उसने होना भी चाहिए था, मेरे और आपके दरमियान एक मुकदमा है तो उन्हें आपको भी सुनने का हक है, मुझे भी सुनने का हक है। वज़ीर आज़म पहले भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने जो कंसर्न्स हैं वो वॉइस कर चुके हैं और बहुत लाउड एंड क्लियर उन्होंने वॉइस किए हैं, लेकिन आप अखलाकी जवाब की बात कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा शेख रशीद के बकौल के 16 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका इल्म है आप लोगों को क्योंकि इन्होंने वोट जो है बेचा है, तो अखलाकी जवाब तो ये भी है कि आप उन 16 लोगों को तो पहले बाहर कीजिए, पहले उन बिकने वाले लोगों को तो निकाल दीजिए, उसके बाद जो आप दूसरी जमातों से भी मुतालबा करें कि अब वो अखलाकी मैार जो है उसको पूरा करें, खुद आप लोग वो कर नहीं रहे और दूसरों से आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो अखलाकी मैार के ऊपर जाएँ, तो इसकी भी बता दीजिएगा कि जो सियासी मजबूरियाँ आपकी हैं वो सियासी मजबूरियां बाकी जमातों की क्या नहीं हो सकती? मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले शख्स थे और पहले लीडर थे जिन्होंने अपने 20 एमपीएस को जस्ट इलेक्शन से पहले निकाला था और ब्राइब के ऊपर ही निकाला था। मेरे ख्याल को इतना हौसला नहीं कर सकता, पहली तो ये चीजें, इसलिए हमें तो पूरा पता है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, वो कितने डिग्निफाइड है और किस तरह से उनका जीरो टॉलरेंस है इन सारी चीजों के बारे में। मेरे ख्याल में अब तो हौसला पीडीएम को करना चाहिए और बाकी लोगों को प्रूव करना चाहिए, वो भी पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, वो भी पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी ये गधे और घोड़ों में फंस करके सामने लाना चाहिए। देखिए सवाल बहुत से हैं, सवाल ये है कि एक जरदारी सब पे भारी, वो हर करप्शन पे भारी है, या मरियम बीबी जब ये बात करती है कि मेरे टिकट चले थे, तो ये मेरे ख्याल में ये उन अवाम की है। मैंने जो एक वर्ड पहले भी एक स्टेटमेंट यूज किया कि ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं है, ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम और इलेक्शन कमीशन के बीच में, ये मुकदमा आज ये अवाम सवाल कर ऑपोजिशन से भी, आपको सिर्फ एक करप्ट इंसान ही मिला था, उनकी करप्शन आसान $6 बिलियन से लेकर एफिड्रिंक केस से लेकर हज स्कैंडल से लेकर सबके सामने। चलें अली साहब, इस पे इलेक्शन कमीशन तो फैसला करेगा, कल के इंतखाब के हवाले से बता दे सादिक संजरानी साहब फेवरेट हैं आपके ख्याल में, और कितने बाजमीर लोग हैं पीडीएम के जो आपको वोट देने के लिए तैयार हैं अगर आपके इल्म में कुछ है तो? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सब जो ये कह रहे थे 27 वोट लेकर 27 सेनेटर्स बनाकर आज सेनेट की सबसे बड़ी जमात, ये एक रियलिटी है, और हमारे साथ हमारे इत्तेहादी बिल्कुल इसी तरह से जुड़े हुए हैं, और अगर हम ये देखें तो हमारी और उनकी तो 50-50 की इस वक्त वी आर जस्ट इक्वल, उनका सेनेटर कम है, वो सेनेटर आपको मेरा तो नहीं सब आएंगे और सिर्फ वो यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन बनाने के लिए, वो 52 तो है ना, 52 लोग तो है ना, आपके पास तो 47 है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारे 48 और उस आप बात करिए, उनके दो लोग जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान आपके साथ ऑलरेडी आ चुके हैं। जी ठीक है, आप कहते हैं आपका नंबर गेम पूरी है। आलिया हमजा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पास बात कर रही थी, ये गर्मा गर्मी है, कल देखेंगे कि कौन चेयरमैन सेनेट बनता है, अभी ब्रेक ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और इनिशिएटिव सामने आया है, फलाही रियासत की जानिब एक और कदम बढ़ता हुआ, इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, गुरबत के खात्मे के लिए कोई
भूखा ना सोए के नाम से ये प्रोग्राम जो है इसका आगाज कर दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सामने आया है, जिसके तहत योमिया 2000 गरीब अफराद को दो वक्त का खाना मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में इससे कबल कोई भूखा ना सोए जैसी चीज़ें नहीं हुई। जून में एहसास का एक ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसके तहत महंगाई के दौर में बराह रास्त 3 करोड़ खानदानों को सब्सिडी देंगे। हाँ जी, इसको बढ़ाया जाएगा और मरहलावार, जिस तरीके से हमने सेहत इंसाफ कार्ड का भी देखा था उसको मरहलावार बढ़ाया जा रहा था, ये वही एक तरीक़ाकार है। हुकूमती मंसूबों के तहत अस्पतालों, कच्ची आबादियों, पब्लिक मकामात पर गरीबों, मजदूरों और खसूसी अफराद को फूड ट्रक्स के ज़रिए ये तैयार शुदा खाना जो है ये पहुँचाया जाएगा और लोगों को ये खाना जब पहुँचाया जाएगा, जून तक कहा जा रहा है कि 3 करोड़ खानदान है तो एक बड़ी तादाद में अफराद बनते हैं। बिल्कुल, और ये एक बड़ा मसला है, यानी हमने देखा कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत बड़े मसाइल हैं लोगों के। रोटी तो जिंदगी में, दुनिया में हर चीज से पहले। सो हम इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद से। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाएगा कोई भूखा नहीं सोएगा, इस प्रोग्राम की तफसील से आगाह करें। कुछ बातें तो हमने शेयर की हैं अपने देखने वालों के साथ, मजीद तफसीलात के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका ख़ास तौर पर इसलिए भी शुक्रिया कि आप इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सब ने अपना हिस्सा डालना है कि पाकिस्तान से गुरबत का भी खात्मा करना है और साथ में जब तक हम इकॉनमी को दुरुस्त कर रहे हैं, गरीब के हालात बेहतर, और साथ में ये जो प्रोग्राम है ये कोई भूखा नहीं सोएगा, ये रियासत मदीना की तर्ज की जो एक माशरा बनाना है जिस तरफ हम गामजन हैं सफ़र पर, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा कदम है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने इस साल के शुरू में ये कहा था कि इस साल की उनकी एक तमन्ना है कि वो रेजोल्यूशन है कि कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम वो लेके आएंगे, और वो इतनी कलील मुद्दत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम एहसास की टीम जो है उन्होंने लेकर के आए हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ताज़ा खाना मिलेगा, क्वालिटी फूड मिलेगा, और उनको उनकी जगह पर जाके जो ट्रक है, जो किचन ट्रक है, वो वहाँ पहुँचेगा और वो दे जाएगा। तो पहले फेज़ में जो हम इसको पहला हमने जो पायलट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है ये अभी चलेगा और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, और इससे बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेगी कि क्या कमियाँ रह गई हैं, किस तरह से करना है, और लोगों को उनकी दहलीज तक ये खाना जाएगा, सड़कों पर, बड़ी बड़े शहराओं पर, चौराहों पर ये ट्रक्स पहुँचेंगे, और तरजीह ये है कि गरीब तरीन जो लोग हैं उन तक ये पहुँचे। उसमें डिटेल ये है कि डेली एक जो ट्रक है वो देगा 2000 लोगों को खाना दे सकेगा एक ट्रक, और ये हफ्ते के 7 दिन होगा और 2 टाइम का खाना होगा और ये साल के 365 दिन होगा। तो ये चीदा इसकी तफसीलात है और बाकी डिटेल प्रेजेंटेशन भी दी गई। हम इसको पूरे मुल्क में जो है इसका दायरा कार फैलाएंगे और पूरे मुल्क तक ये जाएगा, और कोशिश ये है कि हम इसमें क्वालिटी भी मेंटेन रखें क्योंकि लॉजिस्टिकली बहुत सी चीज़ों आप देखना होता है, और इसलिए पायलट प्रोजेक्ट लेके आए कि इससे जो कमियां रह जाएंगी सीखते जाएंगे और इसको वक्त के साथ साथ इम्प्रूव जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसको खुद मॉनिटर करेंगे। बिल्कुल ठीक है फैसल जावेद साहब, ये गरीब लोगों के लिए, फाकाकश लोगों के लिए ये प्रोग्राम लाया जा रहा है, तो इसकी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी ना कि जहाँ पर ट्रक आएगा जो शख्स जाएगा लेने के लिए उसको ये खाना दे दिया जाएगा, वो कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे ये हमें बता दीजिएगा। देखिए जो लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, और उनका ख्याल रखना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। VVIPs हैं हमारे जो गरीब लोग हैं, वो हमारे मुल्क के VVIPs हैं इस हुकूमत के, और उन तक ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें हैं, और अब ये जो इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कि कोई भूखा नहीं सोएगा, तो खाना जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, गरम ताज़ा खाना, और हम बाद में इसमें यह भी बात हो रही है कि मेन्यू जो है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक भी हो, जो लोग कुछ जो किसी की क्या ख्वाहिश है, क्या खाना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद से बेहतरी भी लाएंगे, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ है
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है इसमें, और हमारे साथ आ रहे हैं इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं जो इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप के थ्रू ये प्रोग्राम चलेगा। और आपको पता है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी को जो पिछली हुकूमतों ने जिस नहज पे लेकर गए हैं, तो हुकूमत अकेले ही नहीं कर सकती, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है। तो मिलकर पार्टनरशिप के थ्रू ये प्रोग्राम चलेगा और इंशाल्लाह पूरे मुल्क के अंदर ये फैलेगा प्रोग्राम, और भी हमारे मुल्क में इंशाल्लाह अल्लाह का फजल रहा कोई भी हमारे मुल्क में भूखा नहीं सोएगा। बिल्कुल सही फरमाइएगा कि आपने जिक्र किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का या प्राइवेट के फंडिंग का, उसका मैकेनिज्म क्या कोई बना लिया गया है, कौन लोग हैं जो कि शामिल हो सकेंगे, क्या कोई इदारा ही होगा, कोई मुखैर हजरात जो हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि इसका दायरा कार जो है वो कैसे और कब तक फैलाया जाएगा पूरे मुल्क में। जी हाँ बिल्कुल, इसमें प्राइवेट अदारे भी शामिल होंगे और ये पार्टनरशिप से होगा, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट अदारे पार्टनरशिप में होंगे। अभी भी जो पहला फेज़ है इसमें भी हैं, आने वाले वक्तों में मज़ीद लोग सामने आएंगे। मिल के हुकूमत के साथ हम सब ने मिल के ये करना है, क्योंकि अकेली हुकूमत जो है वो नहीं कर सकती, इसमें प्राइवेट सेक्टर की शमूलियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी से लोग अप्रोच कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, वो बढ़ चढ़ कर उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो खुशाइन बात है। बस हम ये कहते हैं कि जो पायलट प्रोजेक्ट है ये चले, इससे हम सीखें ताकि जब हम इसको मज़ीद फैलाएँ तो इसकी तमाम तरह चीज़ें क्वालिटी की होनी चाहिए। लोगों की इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना है हमने। हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमारे VVIPs हैं, वो हमारे गुरबा जो मुल्क में हैं उनकी हमने खिदमत करनी है, और इसलिए इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना है। और यकीनी तौर पे बहुत से लोग इसमें सामने आएंगे, अपने आइडियाज़ भी देंगे कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला का फजल रहा, आप लोगों की दुआएं रहीं साथ, और आप मीडिया का भी हमारे साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब प्रोजेक्ट होगा। मैं आप सबका दुनिया में भी भला है और आखिरत में भी। फैसल जावेद साहब, एक तंकीद हो रही है कि लंगर खाने तो पहले से मौजूद हैं, तो फिर इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये प्रोग्राम भी लंगर खाने की ही एक एक्सटेंशन है, या इस प्रोग्राम का कुछ मॉडल मुख्तलिफ है, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई जब लंगर खाने मौजूद थे? तो इस तरह कह दें जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में कॉल करके डिलीवरी करवाते हैं फूड की, तो ये फूड डिलीवरी है और ये ट्रक जो है वो लोगों तक पहुँचेंगे। लंगर खाने में लोगों को वहाँ आना पड़ता है, जो मज़दूर लोग होते हैं एक जगह इकट्ठे होते हैं, जाते हैं लंगर खाना, लेकिन इसमें वो भी प्रोग्राम अपने तई उसमें भी वो भी चलता रहेगा, लेकिन ये डिलीवरी है फूड की कि लोगों तक मुफ्त खाना जो है क्वालिटी का खाना अच्छे तरीके से उन तक पहुँचाया जाए। तो इस तरह ये उससे मुख्तलिफ है, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक अलग प्रोग्राम है और कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दिल के बहुत करीब है। और एक बार फिर चलूं कि इस प्रोग्राम को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद मॉनिटर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म साहब खुद मॉनिटर करेंगे इसको। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सितारों पे कमान जो है वो ठीक है, डालें बिल्कुल, बताएं कि कैसे डाली जाती है। सितारों पे कमान जो है वो पाकिस्तानी ख्वातीन डाल रही हैं इस वक्त। वैसे तो नौजवानों के लिए था, लेकिन ये इस वक्त ख्वातीन डाल रही हैं, क्योंकि हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं और कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। हम अभी डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि कितना मुश्किल होता है, आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदनी हो ना, आपको लग समझ जाती है, आपको ये फिर भी आपको नहीं क्लियर होता। एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं 15-15 साल केस चलते रहते हैं। एग्जैक्टली, हकशुफा हो जाएगा, कोई कहीं से दावेदार निकल आएगा, फर्द बह जाए कितने लोगों ने निकलवाई हुई, बहुत डेलीकेट काम है। लेकिन अगर इस बात कर लें हाउसिंग की, प्रॉपर्टीज की, तो वहाँ पे हमने हमेशा मर्दों को देखा है, लेकिन अब एक खातून है इस्लामाबाद में जो कि प्रॉपर्टी को डील करती हैं, और ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने इस टैबू को तोड़ा है कि ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं। बिल्कुल, महनाज आमिर हैं जो गुज़श्ता 2 साल से इस्लामाबाद में रियल स्टेट के शोबे में बहैसियत प्रॉपर्टी डीलर कहा जाए उनको तो काम कर रही हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। रियल स्टेट के शोबे पर मुकम्मल तौर पर मर्दों की ज़ारदारी थी वरा, और आप जिधर भी चले जाएं वो मर्द होते थे। ख़वातीन को बड़े मसाइल होते थे, उनको जाना होता था, अपने लिए कुछ घर देखने होते थे, चाहे किराए पर देखने होते थे, तो आगे से मर्द होते थे, बड़ा मुश्किल हो जाता था, और वो उनके प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझ पा रहे होते थे कि इनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इनको कैसी लोकेशन चाहिए, कैसी फैमिली चाहिए जो ऊपर या नीचे रहती हो। अब थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट जाऊँगी, लेकिन ना मुझे लगता है हर जगह गाइड भी मर्द ही होते हैं हमारे यहाँ।
एक दफ़ा 5,000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है टेक्सला में, मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे एक मर्द था और मुझे बता रहा है ये बुधा के गिर बहुत सारी खवातीन खड़ी थी, तो मैंने कहा ये खवातीन बहुत सारी, ये शैतान था जो कि औरतों के रूप में भर के आता था। एंड आई वाज थिंकिंग कि कोई खातून गाइड यहाँ पे होती तो शायद उसका वर्जन जो है थोड़ा सा कुछ और होता या डिफरेंट होता। इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि ये मैं क्योंकि एक औरत घर के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा समझती है, बिल्कुल ऐसे ही है, और जरूरत को भी वही समझती है, उसे पता होता है कि घर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है कि एक प्रॉपर्टी का काम जब जब आपने घर का इमेजिन करना हो तो एक खातून जो है वो उसको देख रही है और उसको विजुलाइज कर। तो इन्होंने सबको हैरान कर दिया है और परेशानी से लोगों को बचा लिया, हम ये नहीं कहेंगे हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, क्योंकि खवातीन को खासतौर पर परेशानी से बचा रही हैं। और हमें अब इनसे ये पूछना है, हम सारी बातें खुद नहीं करेंगे, महनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कि क्या उतना भरोसा किया जाता है, ज़्यादा भरोसा किया जाता है या कम भरोसा किया जाता है जब ये कोई घर दिखा रही होती है या प्रॉपर्टी दिखा रही होती है। महनाज साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो का हिस्सा बनी है। एक तो हमें ये बताएं कि आप कैसे ये प्रॉपर्टी वाली साइट पे रियल स्टेट में आ गई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है और मर्द हजरात ही इधर नजर आते हैं हमें। जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। असल में मैं कोई 15-20 ईयर्स से एक होटलिंग के कैरियर से वाबस्ता हूँ, एज अ डायरेक्टर सेल्स जनरल मैनेजर मैं काम करती रही हूँ इस्लामाबाद के तमाम लीडिंग होटल्स में। लेकिन कुछ अरसे से ये हुआ था कि मैंने देखा कि एक रियल स्टेट एक बहुत बड़ी हाउसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें एक जो फुकदान है वो एक पढ़े लिखे लोगों का है, और ऐसे लोग जो कि लोगों की नीड्स रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं और फ्रॉड और फ्रेब से लोगों को बचा सकते हैं। कि ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है लेकिन इसमें फ्रॉड भी है और फ्रेब भी है और लोग परेशान भी हो जाते हैं। और एक अगर हम पढ़े लिखे हैं लोग, मर्द या औरतें दोनों में से कोई भी इस शोबे में आए तो मुझे लगता है कि वो एक्सेल कर सकते हैं अगर वो मेहनत करें, फोकस करें, ईमानदारी से अपना काम करें और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझें। अच्छा ये बताइएगा मेरा साहब, आप बाहर की दुनिया में चले जाएं तो ये एक प्रॉपर डिप्लोमास इसमें एजुकेशन इन्वॉल्व है, सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी उन लोगों के हाथ में देते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं प्रॉपर्ली, यानी आपने प्रॉपर्टी है आपकी, आप दूसरे शहर में है, वो उसको रेंट आउट भी करेंगे, रेनोवेट भी करेंगे, एंड दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पीपल। हमारे यहाँ पर तो बदकिस्मती से ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने इसको भी कभी रीवैम्प करने का सोचा है कि इसको भी चेंज कर दिया जाए, इसको एक बिल्कुल ही जो शख्स कुछ नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दे, कल्चर से निकाला जाए? बिल्कुल हरा, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जब कुछ सालों पहले मेरा भी ये टैबू था कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो एक दो ही काम कर सकता है कि फ्रंट डेस्क पे आके रिसेप्शन पे खड़ा हो जाए या प्रॉपर्टी बेचने लगे, और वो लोग जो होते हैं पेपर स्पेशली जो पेपर्स होते हैं और जो उनको इधर से उधर जो मुख्तलिफ ऑफिसेस में ट्रांसफ़र के लिए जाना पड़ता है और जो लीगल इश्यूज़ होते हैं उसके लिए आपको कुछ इल्म नहीं होता, और लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं फ्रॉड के केसेस में। इसीलिए अगर आप जाएं तो बहुत ज़्यादा केसेस हमारे अदालतों में हैं और हमारे कचहरीज हैं पड़े हुए और लोग बड़े परेशान हैं। तो इसको मैं देखते हुए आई थिंक हम इसको इंडस्ट्री को जैसे अदर दूसरे इदारे हैं जो हमारे हैं इनको भी हमें इक्विप करना चाहिए और वहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि मार्केटिंग सेल्स किस तरह एक रियल स्टेट की होती है। लेकिन एज अ फीमेल मुझे लगता है कि अगर औरत इसको समझे और कुछ उसकी बैकग्राउंड हो मार्केटिंग और सेल्स की जैसे हमारी है और हमने पढ़ा भी है इसको, और अगर वो इसको इंडस्ट्री को ले और एक घर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझे और लोगों को सेटिस्फाई करे, उनकी रिक्वायरमेंट से पूरा उतरे, तो क्यों नहीं लोग इससे भरोसा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, मैं अपना एक प्रोजेक्ट है हमारा और इस्लामाबाद में मैं इसकी पूरी मार्केटिंग करती हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं और मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जिनके यही इश्यूज़ हैं। तो इसको हम एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए जैसे बाहर की दुनिया में होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ना साहबा परेशान नहीं हो जाती यहाँ पर, हम तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर खुद तो परेशान नहीं होते, अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी उनके हवाले कर देते हैं वो बेचारे पूरी ज़िंदगी जो है फंसे रहते हैं उसके अंदर। तो आपको परेशानी नहीं होती है, जो लीगल मैटर्स होते हैं उनको फिर आप कैसे देखती हैं? देखिए शुरू में तो मुझे वाकई बहुत मुश्किल लगा था कि एक नई इंडस्ट्री है और लीगल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा बिलीव है कि मर्द या औरत कोई भी अगर कीन लर्नर हो
और वो चीज़ों को समझ सके, और अगर वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए उसको, और वो ऑनेस्टी से काम करे, तो उसको सबसे पहले तो पेपर्स पढ़ने आने चाहिए, और के जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद हमारी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट को उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पर करें, किस तरह करें, और कभी कभी तो उनकी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अगर आपने लीगल कोई कुछ बैकग्राउंड अगर आपने थोड़ा सा जानते हो, तो आप क्लाइंट को भी परेशान नहीं करेंगे और ख़ुद भी परेशान नहीं होंगे, और बल्कि क्लाइंट आपकी आपका नाम ही इसी तरह पैदा होता है कि वो आप पे भरोसा करें, आप पे ट्रस्ट करें। तो बेनाज आपका ये नाम है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी। फ्रॉम इस्लामाबाद आई नो यू आर नोन एज टफ नेगोशिएटर, यानी जहाँ पे मेहनाज का नाम आ जाता है ना, वहाँ पे कहते हैं इस प्रॉपर्टी में ज्यादा लेन देन नहीं हो सकती, ये मिस मेहनाज के पास है, ये जो कीमत लिखी हुई कही बस इसी पे ही इन्होंने देना है। सो टू डिवेलप दिस काइंड ऑफ रेपुटेशन, ये एक बड़ी बात है, मुझे जब ये पता चला था आई वाज वेरी हैप्पी। देखिए बिल्कुल, देखिए ना फरा, आप अगर क्लाइंट के साथ, एक हमारे यहाँ बहुत अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट है, मैं आपके मीडिया के तहत उस बात को क्लियर करूँगी। हमारे यहाँ टॉप लिया जाता है, बड़ा एक स्पेसिफिक टैबू वर्ड है टॉप, यानी कि हम लोग कहते हैं कि अगर कीमत है उस ज़मीन की आपकी 1,20,00,000, तो बड़े आराम से लोग उसको 1,60,00,000 या 70,00,75,00,000 में बेच देते हैं। तो होता यह है कि वो जो लोग क्लाइंट होता है उसको फिर आप अगर आप वो नेगोशिएट कर लें तो आप प्राइस नीचे ले आएंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है उस जगह की उस वक़्त के हिसाब से, अगर आप उसी को ऑन पेपर्स विद डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को दिखाएं, तो कैसे हो सकता है कि क्लाइंट आप पे भरोसा ना करे और उसको पता हो कि ये सही है। और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरे साथ मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे, मुझे पार्टनर्स बहुत अच्छे मिले, और मेरे क्लाइंट्स बहुत अच्छे, और आप लोगों का सपोर्ट है जो आज हम यहाँ बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मेहनाज साहब, हमें ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह आप कामयाब हैं, अब आपको इतनी फिक्र भी नहीं होती, आपके साथ टीम भी मौजूद है। जब आगाज किया था लोग आते थे, लोग उठ तो नहीं जाते थे कि ये खातून हमें क्या साइट जाके दिखाएंगी, इन्होंने पता नहीं खुद भी विजिट किया होगा या नहीं किया होगा, ये खुद भी जाती हैं कि नहीं जाती, इनको क्या पता कि घर कैसा होता है, मजबूत घर क्या होता है, बेहतर चीज क्या होती है इसके अंदर, तो मटेरियल का इनको क्या पता क्या लगा होगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जब मैंने जिंदगी में होटलिंग और नाउ दिस रियल एस्टेट, जब मैंने कैरियर का स्टार्ट किया तो लोग मुझे समझते थे कि इसको तो कुछ भी नहीं पता, और इसको बड़े आराम से, मैडम आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं पता, और लोग ऐसे समझते थे कि इसको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब आप उन्हें मैंने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं साबित करके दिखाती हूँ कि मुझे कितना मालूम है, और जो आपके दूसरे जो मर्द हजरात हैं उन्हें उनके मुकाबले में मेरी ज़्यादा नॉलेज है, उनकी ज़्यादा नॉलेज है। बट देन आई रियलाइज कि जब मैंने उनको बताया और एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने शुरू में तो सीरियस नहीं लिया, लेकिन लेटर ऑन उन्हीं मर्दों ने और उन्हीं औरतों ने मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, और उनको पता होता है कि जो इसको हम कह रहे हैं ये हमें पूरी एग्जैक्ट वहाँ की सही इन्फॉर्मेशन बताएगी, इधर आपके प्लॉट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, या कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, प्रोजेक्ट्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, किसी के बारे में भी। बिल्कुल सही। अच्छा मैं तो ये आपको अपना बनवाना पड़ता है, और मैं यहाँ पर एक आप हर फील्ड में खवातीन जो है ना वो कंप्लेंट दिखाई देती है मेहनाज के, तंग किया गया, हरासा किया गया, डराया गया कि भाग जाए छोड़ के, ये कहाँ से आ गई है अब इस तरह से, तो ये मतलब अब खवातीन भी आएंगी ये काम करने के लिए, तो आपके साथ भी इस तरह का कुछ सूरत हाल हुई कभी? जी शुरू शुरू में हुआ मेरे साथ, और दोनों कैरियर्स जब मैंने स्टार्ट करे थे तो बड़ा ये कहाँ से आ गई है, ये तो औरतों का काम ही नहीं है, औरतें तो सिर्फ वो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे डेस्क पे होता है शुरू में, बस उसके बाद उनके पास शायद दिमाग ही नहीं होता, ब्रेन ही नहीं होता, और बस उसके बाद आप ख़त्म कहानी। लेकिन आपको मुख्तलिफ किस्म के मर्दों से आप हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है और उस माशरे में रहना पड़ता है। लेकिन फरा आप भी एक खातून हैं, आप भी जानती हैं कि जगह औरत अगर चाहे और मेहनत करे और फोकस हो और अल्लाह पे भरोसा करे तो वो अपने आप को क्यों नहीं मनवा सकती है, और उसकी फैमिली की सपोर्ट हो और उसके बच्चों का साथ हो, और तो वो आगे ज़रूर बढ़ जाती है और उसको लोग मानते हैं,
उसकी सलाहितों को मानते हैं जो उसको अल्लाह ने अता की होती है। बिल्कुल ठीक है महनाज, आई एम रियली ग्लैड आज आपसे पर्सनली मुलाकात भी होगी। लेकिन मैंने हमजा वाकई आपके बारे में ये सारी बातें सुनी हुई हैं और बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, आपने एक टैबू को तोड़ा है। अल्लाह करे कि बहुत सारी आपके लिए भी आसानियां, बहुत सारी खवातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं, कुछ भी किया जा सकता है जो आप सोचेंगे। तो मना साहबा बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और की फराइए, बड़ा मुश्किल काम है, हम परेशान हो जाते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको जरा ना खाने वाल की तरफ लेके जाने। चलिए प्लीज। हाँ जी, और शहरियों को जो है ना तिब्बी सहूलियत जा रहे हैं हम, ट्रेन पे जाएंगे नहीं हम, मतलब अफसरदगी से चलते हैं थोड़ा सा ना, मतलब मामला ऐसा है कि जो तिब्बी सहूलियात हैं उनकी बात की जाए तो जनूबी पंजाब की बड़ी तहसील जहानिया है आज लाखों मकीन है और रेस्क्यू जैसी बुनियादी सहूलियात से ये महरूम दिखाई दे रहा है। ओह अच्छा, आई थॉट कि हम कुछ खाने पीने वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है, अलार्मिंग बात कि हमारे यानी रेस्क्यू सर्विस नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पे कोई इब्तदाई तिबी इमदाद देने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए गदा रेडी पर जाना पड़ता है। ये हम फुटेज भी दिखा रहे हैं कि ये सूरत हाल है वहाँ पर, रिक्शों के ऊपर, चिंगचियों के ऊपर, ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर, इस तरह की चीजें भी वहाँ तक उनका दायरा कार बिल्कुल नहीं है, ऐसे वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। और हम फरहान कयूम चौधरी वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ये हमारे साथ शेयर किया था, उनसे मजीद जानते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या और क्यों रेस्क्यू सर्विस वहाँ पर मौजूद नहीं है। जी फरहान, हमें आगाह कीजिए, मसला बुनियादी तौर पर क्या है। अजी बिल्कुल, शहरियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात की अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब की एक बड़ी तहसील जहानिया आज भी रेस्क्यू जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम नज़र आ रही है। यहाँ पर जहानिया के जो लाखों मकीन हैं उनके लिए 4 साल कबल 3 करोड़ रुपए की लागत से रेस्क्यू की बिल्डिंग तो बना दी गई और वहाँ पर अमला भी तैनात कर दिया गया, लेकिन एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद वहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ ही फराहम ना की गई। इस सिलसिले में जब हमारी जहानिया के शहरियों और सिविल सोसाइटी से बात हुई तो उनका यह कहना था कि जब भी हमें अपने प्यारों को, जख्मियों को किसी इलाज मुआलजा के लिए हस्पताल में मुंतकिल करना पड़ता है तो हमें शदीद दुश्वारियों और तकलीफ का सामना होता है और बाज़ औक़ात कन्वेंस ना मिलने पर हम अपने प्यारों को गदा रेड़ियों, बैर रेड़ियों, रक्षा लोडरों और ट्रैक्टर ट्रालियों पर हस्पतालों में मुंतकिल करते हैं और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वक़्त पर ना हस्पताल ना पहुँचने पर हम अपने प्यारों की ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। जहानिया के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस 21वीं सदी के जदीद तरीन दौर में जहानिया के जो शहरी हैं, इर्द गिर्द के जो सैकड़ों देहात हैं, वहाँ के जो लाखों मकीन हैं, रेस्क्यू जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब फिल फौर इस संगीन मसला पर तवज्जो देकर जहानिया को, जहानिया की रेस्क्यू की बिल्डिंग को, रेस्क्यू की गाड़ियाँ फिल फौर फराहम करें। जी बिल्कुल ठीक है फरहान, ऐसा मामला है कि बड़ी हैरत की बात है, जिस तरह से हम भी थे कि रेस्क्यू की कोई वहाँ पर सहूलत मौजूद नहीं और हम अपने प्रोग्राम सुबह सवेरे की तवज्जो से अपील करेंगे हुकूमत पंजाब से कि इस इलाके की इन मसाइल को फौरी तौर पे अहमियत दी जाए और वहाँ इन मसाइल को हल किया जाए। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको इल्म होगा कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी अहमियत इससे ज़्यादा है कि हमजा पाकिस्तान में और एशिया में खासतौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद है गुर्दों से मुतासर जो लोग हो रहे हैं मरीज़, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि गुर्दों के अमराज, उनकी हिफाजत से मुतालिक आगही और शऊर पैदा हो और अपनी मदद आपके तहत हम अपनी हिफाजत कर सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। हाँ जी, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 24 लाख जो अमवात हैं वो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से होती हैं और ये अमराज मौत का छठा बड़ा सबब बन चुके हैं ना। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कैंसर और गुर्दों के अमराज समेत दीगर कई अमराज से मोटापे का बराह रास्त ताल्लुक है और पाकिस्तान में भी इसी हवाले से सूरत हाल खासी तश्वीशनाक है। और पाकिस्तान में अगर फिगर्स में बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ के नज़दीक अफराद हैं जो गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज में मुबतला, इनकी सालाना तादाद में 15 से 20% इजाफा हो जाता है हर साल। तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा हो रहा है ना कि जिसमें हम ये कुछ गलत कर रहे हैं। अमवात की बात की जाए तो 20,000 अमवात जो हैं गुर्दों के मुख्तलिफ अमराज की वजह से होती हैं। सो इसके लिए पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी होता है, सिगरेट नहीं पीनी होती, मोटापे से बचना ज़रूरी है और कुछ खुराक भी ऐसी है। और फरम मैंने देखा है कि जिन लोगों को कुछ मसला हो जाए फिर वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं और सारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल गुजर जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है ट्रांसप्लांट के अलावा, पता नहीं यही इसी तरह की बात है। बिल्कुल, और गुर्दे में पथरी तो बड़ी आम सी चीज़ है जो कि हम में से हर दूसरा तीसरा शख्स है वो रिपोर्ट
रिपोर्ट करता दिखाई देता है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टेस्ट है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिन का आरी और अल्ट्रासाउंड, ये ज़रूरी है कि आप करवाते रहें ताकि आपको पता चलता रहे। सो इस बारे से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर मोमना मंजूर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि गुर्दों के अमराज की वजूहत क्या होती हैं, क्या वो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी इंसान के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं? वालेकुम सलाम फरा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जैसे आपने कहा कि आज 11th ऑफ मार्च इज़ वर्ल्ड किडनी डे और सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और इसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की जाए और अगर हमारे इस दिन की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बच सकते हैं गुर्दों की बीमारियों से, सो आई थिंक इट्स वर्थ इट। इसके अलावा साथ साथ जो इस बार के वर्ल्ड किडनी डे का एक खास मकसद है वो है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़, यानी वो लोग जिन्हें गुर्दों की बीमारी है उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों को बारी बारी मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात कि जिन चीज़ों की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, जैसे आप ऑलरेडी अपने उसमें कह चुकी हैं, द टू मोस्ट कॉमन वन इज़ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, जो कि सारी दुनिया में बहुत कॉमन है और इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। एंड ऑफन दीज थिंग आर साइलेंट, लोगों के हेडेक हो रहा होता है अक्सर यंग लोगों को और उन्हें पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है और बाय द टाइम इट्स डायग्नोज तो वो ऑलरेडी काफ़ी डैमेज कर चुका होता है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसका जो रिस्क है वो ओबेसिटी के साथ, वेट गेन के साथ रिलेटेड है। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि ऑटो इम्यून है और वो तो इवन बच्चों से भी शुरू हो जाता है। तो ये दो मेन कॉजेज हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, किडनी स्टोन्स हैं और फिर वो किडनी स्टोन्स जो कि टाइम पे डायग्नोज नहीं किए गए उन्होंने काफ़ी नुकसान कर लिया, इन्फेक्शन जिनको बार बार हो रहा होता है, मौरूसी बीमारियां हैं, हेरिडिटरी जिसमें से एक पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है, काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता भी है, गुर्दों में थैलियां सी बन जाती हैं और काम उनका ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा एक और बड़ा ग्रुप जो है दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिससे होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगेन वो एक ऐसी कंडीशन है कि हम उसकी कुछ टेस्टों और अक्सर बायोप्सी के ज़रिए तशखीस करते हैं और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज होता है। तो ये सारी बीमारियां टाइम पे डायग्नोज होने से गुर्दों को बचाया जा सकता है। तो ठीक है डॉक्टर मोमिना, हमें ये बताएं कि टाइम पे डायग्नोज कैसे हो, लोगों को क्या अलामत उनको महसूस हो रही हो तो उनको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमने कुछ टेस्ट फरा भी बता रही थी, वो कौन से टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए? हम बहुत देर कर देते हैं, हम तो कोरोना के दौरान इतनी देर कर देते हैं कि जब वेंटिलेटर पर जाने का टाइम होता है ऑक्सीजन लेवल इतना गिर जाता है हम उस वक्त हॉस्पिटल में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने एक तो हेजिटेंसी है लोगों में, एक फियर होता है लोगों ने और इतना डराया हुआ होता है कि ये हो जाएगा जिसकी वजह से लोग कुछ उनके अपने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। किडनी के लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़रूरी नहीं है सिम्टम्स हों, मतलब जो सिम्टम्स हैं जैसे आँखों के गिर स्वेलिंग होना, सांस फूलना, थकावट होना, रंग पीला या काला पड़ जाना, पाँवों में स्वेलिंग या पेशाब की तकलीफ जो हो रही होती है वो अक्सर काफ़ी लेट होते हैं, अक्सर वो जब होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज गुर्दों को हो चुका होता है। तो आपको ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको गुर्दों का दर्द होगा तो आपको गुर्दों की बीमारी है, लेकिन अगर आप में रिस्क फैक्टर हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि फैमिली में चल रही है किडनी डिजीज़, या आप डायबिटिक हैं, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आप नोट कर रहे हैं रिसेंटली कि कुछ आपकी यूरिन में इश्यूज हैं, तो बेहतर यही है कि अपना टेस्ट करवा के और एक चेकअप करवा लें नेफ्रोलॉजिस्ट से। यूरिनारी जैसे फरा ने कहा, यूरिन प्रोटीन, यूरिन एल्बुमिन वो टेस्ट हैं जो कि अर्ली डिटेक्ट करते हैं और डायबिटिक्स का, और इवन एल्डरली में जब आप अपना मंथली तो नहीं ईयरली चेकअप कर रहे होते हैं इसमें हम ज़रूर ये चीज़ें करते हैं। ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन, यूरिया, क्रिएटिनिन, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी फेमिलियर विद इट जिनको किडनी का मसला है, उसके ज़रिए हम मॉनिटर करते हैं कि आपका क्रिएटिनिन जा रहा है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड की, सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। तो रिकग्नाइजिंग द रिस्क फैक्टर्स एंड अर्ली प्रेजेंटेशन इज द की। डॉक्टर मोमना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना हकीमों के और गलत हकीमों, अताई जिन्हें कहना चाहिए, वहाँ जाके स्टीरॉइड्स लेते हैं, मतलब आप सारी वॉल चॉकिंग से भरी हुई है हमारी, कोई दीवार खाली नहीं होती जहाँ पे कोई ऐसे बाबा जी ना हो जो हर मर्ज़ का इलाज करने पे कादिर होते हैं। फिर एक टीके से इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैं, एंड आई जस्ट रिसेंटली केम अक्रॉस, मेरी मेड को हुआ प्रॉब्लम, उसने कहा एक टीका लगाते हैं सब दर्द गायब, मैं गई वो स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी वजह से गुर्दों पर फ़र्क पड़ता है। एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा कि इस तरह के इलाज नहीं करवाने, और दूसरा जिन लोगों को ये मसला लाहक हो गया हो उन्हें क्या करना चाहिए?
बिल्कुल फरा, यू आर वेरी राइट हियर. एक वो चीज़ है जिन लोगों को अभी नहीं है इल्म, और वो अक्सर जैसे आपको पता है कि गुर्दों की बीमारियों में आपका पोटेशियम बढ़ जाता है, पोटेशियम सही तरीके से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता. तो कुछ पेशेंट्स आए जो कि खास तौर पे ऐसे फ्रूट्स उन्हें बताए गए थे जो कि बहुत पोटेशियम में हाई हैं, और वो कितने कितने उनको उस तरीके से वो कह रहे थे. तो बहुत लेट प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट अक्सर बहुत गलत हालत में आते हैं. ये जो इंजेक्शन है इसके बारे में मैं ये बताऊं कि एक ये स्टेरॉयड का इंजेक्शन होता है और एक ये एनसेड जिसे हम कहते हैं, वो एक पेन किलर होता है जो वाकई लगाने से दर्द ठीक हो जाता है. और दैट्स वेरी डैमेजिंग टू किडनी, दैट्स वेरी डैमेजिंग इवन टू स्टमक, और भी बहुत से इसके नुकसान हैं. तो प्लीज़ उससे बचिए. जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी बीमारी क्या है, हर गुर्दे की बीमारी में पानी भी बहुत नहीं पीना होता, तो एक वो कॉन्सेप्ट कि पानी बहुत पिया बस चाहे जो भी गुर्दे की बीमारी है वो भी ठीक नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आए. आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, हर बीमारी आप इंटरनेट पर सर्च करके यू कैन नो अबाउट इट. तो आप समझिए कि आपको मसला क्या है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपने परहेज और डाइट और पानी सब कुछ उसके मुताबिक होना चाहिए. दूसरी बात जो आपने फर्क की कि जिनको हो चुकी है, जैसे मैं कहती कि इस साल के वर्ल्ड किडनी डे का जो जो थीम है दैट इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव किडनी डिजीज़. क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से ऐसी सिचुएशन भी आई कि ओपीडीज बंद थी, ऐसी सिचुएशन भी आई कि हम खुद उन्हें कहते थे कि आप हॉस्पिटल ना आए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, दे हैव गॉट रिस्क ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस. तो काफ़ी सारे लोग निगलेक्ट हुए. अब किडनी के मरीज जो हैं उनको काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, उनको अक्सर भूख नहीं लगती, जिसम पे खारिश हो रही होती है, सूजन होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो रेगुलरली उनको एड्रेस करना होता है. तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि अगर किसी को बीमारी है भी गुर्दों की तो वो बाकी लोगों के मुकाबले में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, डिप्रेशन का शिकार ना हो, जॉब ना छोड़नी पड़े, बिकॉज ऑफन यू आर द ओनली सपोर्टिंग फैमिली मेम्बर और वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. तो इसमें जो तीन कैटेगरीज हैं, एक तो वो हैं जिनकी किसी वजह से गुर्दे ख़राब हुए, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया, सिवेयर इन्फेक्शन, ब्लड लॉस, उसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं. उसमें चांस होता है कि आपके गुर्दों का टेस्ट वापस आ जाएगा विद द ट्रीटमेंट. दूसरा फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसमें एक डैमेज हो चुका है गुर्दों को और आपको अपना रेगुलर चेकअप करवाना है. आपको बताएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट कि आपने 2 महीनों बाद आना है, 4 महीनों बाद आना है, आपकी दवाइयाँ एडजस्ट होती हैं, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं. And then the third category is end stage, where आपके kidney function जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपको किसी replacement की ज़रूरत है. अच्छा, उस पर मैं एक और ये बात कहना चाहूँगी कि जो तीन options हमारे पास हैं, hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplant, these are the three options that we have for those people. उसमें अक्सर लोगों को dialysis की ज़रूरत होती है, उनके यूरिया जिसम में काफ़ी ख़तरनाक हद तक हाई हो चुका होता है, लेकिन फिर बिकॉज ऑफ सर्टन मिसकंसेप्शंस ऑफ हीमोडायलिसिस एज वेल वो नहीं कर पाते, जिससे अक्सर काफी लेट हो जाता है, देन दे जस्ट लूज देयर लाइफ. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मोमिना मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका. सबसे मेरे पास आप बात कर रही थी और जो उन्होंने बातें बताई हैं हम कोशिश करेंगे उस पर अमल करें. हाँ, नेफ्रोलॉजिस्ट थी और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब ये जो है ना स्पेशलाइजेशंस है, प्लीज नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपका सही इलाज कर सके. हकीम साहब, एक टीके वाले डॉक्टर, सिर्फ पानी ना पीना शुरू जो इन इन से जरा बचे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा फरा, अगर हम बात करें चूड़ियों की तो चूड़ियां किधर हमें जाना पड़ेगा? बचपन में आपकी तो ट्रेन भी वहां से गुजरती थी ना, जब आप पता है मुझे, मैं बता लेंगे एक हमजा बचपन में मुहावरा सुना था, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी. और उसके बाद मैंने काफी अरसे तक चूड़ियां नहीं पहनी, अब आके मैंने दोबारा चूड़ियां पहनना शुरू की हैं. इतना असर आपने लिया? इतना असर लिया मैंने उसका ना, नहीं तो असर होता है इन चीजों का. लेकिन सिंध की अगर बात करें तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, ये चूड़ियों का शहर है. इसलिए कि चूड़ी साज सनत के हवाले से मुनफरिद मुकाम हासिल है. कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैदराबाद में तैयार की जाती हैं और अगर आपको अंदाज़ा हो ना थर में, तो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और वो उनके कल्चर का हिस्सा है. सो इस सनत से लाखों अफराद वाबस्ता हैं. खूबसूरत और ऐसी कमाल चूड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं कि बस देखने से ताल्लुक है. वो शराज भट्टी हैदराबाद में मौजूद, जानते हैं जी शराज चूड़ियाँ कितने मराहल से गुजर कर बनती हैं, कितने कारखाने हैं हैदराबाद में और इतना हैदराबाद मशहूर है चूड़ियों की वजह से. पाकिस्तान का हर शहर किसी न किसी हवाले से अहमियत का हामिल है, लेकिन हैदराबाद शहर जो है चूड़ी साजी की सनत के हवाले से काफ़ी इनफरादियत रखता है. यही वजह है कि हैदराबाद में जो चूड़ी तैयार की जाती है वो हैदराबाद की जो शनाख्त है उसे मज़ीद मुनफरिद बनाती है. हैदराबाद में तैयार की जाने वाली चूड़ी न सिर्फ पाकिस्तान के दीगर शहरों बल्कि बैरून मुल्क भी तोहफे के तौर पर भेजी जाती है. 28 मुख्तलिफ मराहिल से ये चूड़ी निकल कर मार्केट में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है.
लिए हैदराबाद का जो मौसम है वो चूड़ी साजी की सनत के हवाले से इंतहाई मुफीद है। यही वजह है कि हैदराबाद के अलावा पाकिस्तान के किसी शहर में भी चूड़ी तैयार नहीं की जाती है। तो जब हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो भी अक्सर औकात हमसे चूड़ियों की ही फरमाइश करते हैं, तो जब वो फरमाइश करते हैं तो हम भी जो है यहाँ से उन्हें चूड़ियाँ जो है तोहफे के तौर पे भिजवाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताया इसकी वजह क्या? क्या वजह? हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हैदराबाद में, कुनरी, इन इलाकों में। एंड माई बेस्ट फ्रेंड वॉज हिंदू, और वो लोग चूड़ियाँ पहनते हैं, उनमें सुहागन के कॉन्सेप्ट के साथ चूड़ियों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पर कल्चरली भी ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और पहना भी जाता है। तो इस तरह से ये खूबसूरत, अगर हैदराबाद से कोई आए, आपको तो बड़े गिफ्ट मिलते होंगे, बहुत चूड़ियाँ और हर किस्म के। हमारी ख्वाहिश है कि इन गिफ्ट्स के साथ एक और चीज़ भी हो जाए, और वो है बारिश। हाँ, ये हम सब मुझे कल से बता रहे हैं बारिश होने वाली है। मैंने कहा लाहौर में भी होगी या मेरी ख्वाहिश ज्यादा हो सकता है, ये पेशगोई से ज्यादा मेरी ख्वाहिश है। और सारा दिन मैं आसमान पे बादल देखती रही कि किधर है वो बादल जो हमजा ने कहे थे। सो ये सूरत हाल अक्सर हमारे साथ हो रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का नया सिलसिला जो है उसके शुरू होने को कहा भी जा रहा है, हुआ भी है। इस्लामाबाद तक की बात करें तो वहाँ से खबरें आती हैं ठंडी ठंडी हवाओं की और बारिश की, लेकिन उससे आगे जो मामला है वो नहीं अभी तक गर्मा गर्मी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक तो मुल्क के बालाई और वस्ते इलाकों में शुरू होने वाला बारिशों का जो नया सिलसिला है वो इतवार तक जारी रहेगा। क्या सूरत हाल ऐसी ही है या ये मेरी और बाकी लोगों की ख्वाहिश है? मुझे लगता है लगान मूवी के अंदर इतनी वो बारिश का इंतजार नहीं कर रहे होंगे जितना आजकल पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है। खालिद मलिक साहब तर्जुमान महकमियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। खालिद मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर सर सुना दें, को बारिश की ना को खबर सुना दें कि होने लगी है बारिश, सब जो है रेडी हो जाओ। जिस तरह हमजा आपकी ख्वाहिश है कि हर जगह बारिश हो, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हर जगह बारिश, लेकिन इस दफा कुछ ऐसे हो रहा है कि हमारा जो ड्राई स्पेल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये एक अच्छा वेदर सिस्टम इस टाइम हमारे नॉर्दर्न एरिया से पास कर रहा है, और इसके आने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये अच्छी तरह बरसेगा और अच्छी रेन देगा, लेकिन जितना ये पास आ रहा है उतना वीक होता जा रहा है और ये ऊपर नॉर्थ की साइड पे उठ रहा है। अब इसके जो जेरे असर इलाके हैं उसमें सिर्फ केपी और जीबी और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएं तो ये जेलम तक जाएगा, या फैसलाबाद को भी टच करने के चांसेस नहीं है, लाहौर के टच करने के भी चांसेस नहीं है। तो ये सिर्फ ऊपर के एरिया से गुजरेगा आज का दिन और कल का दिन। सेम इसी तरह हफ्ते के गैप के बाद फिर ये संडे वाले दिन भी इसी तरह एक्टिव होगा, लेकिन ये सारा रहेगा ऊपर। तो जो सिचुएशन इस वेदर सिस्टम की थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो काफी हद तक वीक हो चुकी, और अब मुझे नहीं लग रहा कि ये वेदर सिस्टम जो है वो साउथ पे जाए, लाहौर को टच करे, या मुल्तान, पंजाब या सिंध के किसी एरिया में ये रेन दे। और जो ऊपर भी रेन देगा वो भी इतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी नहीं होगी, वो भी छोटे छोटे जो है वो इंटरमिटेंट रेन होगी जिसमें बारिश भी होगी और प्लस आपका सूरज जो है वो भी दिखाई देगा। तो उस हवाले से देखें तो ये एक अच्छा वेदर सिस्टम लग रहा था, और ये सोचा जा रहा था कि मार्च में नॉर्मली होता ये है कि आपका रेनी मंथ होता है, आपके विंटर का जब खत्म हो रहा था तो इसमें बहुत ज्यादा रेन होती हैं और हमारी जो विंटर की डेफिसिट है वो उसको पूरा करता है, लेकिन इस दफा ये भी इसी तरह ही गुजर रहा है। और इसके बाद आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो हमें एक वेदर स्पेल लग रहा है 2021-22 को, और वो अभी तो इतना स्ट्रांग नहीं है। दुआ करें कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और हमें कुछ रेन दे जाए, अदरवाइज आप टेम्परेचर के जो शूट अप होना है उसको रोक नहीं सकेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, आपकी जो स्प्रिंग है वो स्क्वीज हो जाएगी और जो वाटर स्ट्रेस है वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर्स भी फिर बढ़ेंगे, जैसे आप कह रहे थे कि वेदर स्पेल आ जाएगा तो टेम्परेचर का बढ़ना जो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, दर्जा हरारत का बढ़ना, इसका मतलब आप तो फिर ऊपर से ऊपर ही जाएगा इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में। बिल्कुल फरा, आप सही कह रही हैं कि जब आपके पास वेदर सिस्टम, एक अच्छा वेदर सिस्टम जो है वो नहीं होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी भी इस टाइम अगर आप टेम्परेचर देखें तो आपके पूरी कंट्री के टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है, और अगर यही सिचुएशन चलती रही तो आपकी गर्मी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, और जो वो आप दरमियान वाला फूलों वाला स्प्रिंग वाला सीजन है उसको काफी हद तक आप एकदम खत्म करके और समर में चले जाएंगे।
उसके अलावा एक और आप देखें कि इस दफा हमारे पास जो स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल हमारे पास 50% से भी कम हुई, जिसकी वजह से वाटर रिजर्वायर्स पे अच्छा खासा स्ट्रेस होगा आने वाले समर में, और वाटर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा। उस वजह से जो आने वाला सीजन है वो इतना ज्यादा पानी के लिहाज से इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया खालिद, आप मौसम के बारे से हमें अपडेट कर रहे थे, और हम आपसे इजाजत लेंगे एक अच्छे दिन की ख्वाहिश के साथ। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए हाफिज़।